Dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is topic number 5.8 of Unit 5. Topic name is Use of String Handling Functions in C Program. Learning Outcomes. After watching this video, you will be able to use different string handling functions in C program. Course outcomes, those are going to map by this unit is CO5, that is use functions in C program for modular programming approach. And program outcomes, those are going to satisfy by this video are PO1, basic and discipline specific knowledge, PO4, engineering tools, experimentation and testing, PO6, project management, and PO7, lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know how to declare strings and how to take input and output of the strings. Now let us see what is str len function. So humne last video mein string ko kaise declare karte hain, स्ट्रिंग को इनपुट कैसे देते हैं और स्ट्रिंग को डिस्प्ले कैसे करते हैं, मीन स्ट्रिंग को आउटपुट किस तरह से करते हैं, इसके बारे में देखा था. और बहुत सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का ओवरव्यू भी हमने देखा था. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस है उसको हम हमारे प्रोग्राम में किस तरह से यूज करेंगे. सो फर्स्ट फंक्शन इज str len फंक्शन. Len stands for length and str stands for string. So it is a string length function. इसका नाम ही indicate करता है कि जो भी string हम pass करते हैं इस function को उसकी वो length calculate करेगा. Length calculate करेगा means उसमें कितने number of characters है उसका count हमें वो बताएगा. तो the str len function returns the length of the given string. It doesn't count null character. Okay? तो हमने देखा था कि सपोज ये हमारा स्ट्रिंग है तो ऑटोमेटिक मीन्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्लैश जीरो आता है, दैट इज नल कैरेक्टर, मीन्स वो हमारे स्ट्रिंग का टर्मिनेट, हमारा स्ट्रिंग टर्मिनेट हुआ है, हमारा स्ट्रिंग एंड हुआ है वो बताता है. वो भी एक कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंक्लूड होता है, लेकिन ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन उसको काउंट नहीं करेगा. ओके, तो सिर्फ जो ओरिजिनल अल्फाबेट्स होते हैं हमारे स्ट्रिंग में उसको ही काउंट करेगा. तो एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं हम. प्रिंटएफ स्कैनएफ फंक्शन यूज करना, इसलिए stdio.h फंक्शन हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है. स्ट्रिंग को इनपुट आउटपुट करना है इसीलिए, और स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है, मीन्स स्ट्रिंग का फंक्शन हमको यूज करना है, इसीलिए string.h हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है. देन एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन ऑलवेज, और हमारा मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा. देन कैरेक्टर, अभी हमको जिसमें भी हमारा स्ट्रिंग स्टोर करना है, ओके, कौन से स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करवानी है वो हमको बताना पड़ेगा. उसके लिए सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग जो है किसी वेरिएबल में हमको स्टोर करना पड़ेगा. तो str1 नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं हम, उसका जो डेटा टाइप है वो रहेगा कैरेक्टर. str1 इज द नेम ऑफ वेरिएबल एंड उसका मैक्सिमम साइज जो है वो है 20. तो हम 20 से कम कैरेक्टर्स ले सकते हैं, मीन्स 20 से हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कम हो सकती है, लेकिन 20 से ऊपर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं जानी चाहिए. ओके, सो इस str1 नाम के स्ट्रिंग में हम ये रीड बुक ये स्ट्रिंग स्टोर करके रख रहे हैं. ओके, कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स हैं इसलिए डबल कोट्स में इंक्लूड करना जरूरी है. तो रीड बुक नाम की स्ट्रिंग है हमने str1 में स्टोर कर दी. अब इसकी हमको लेंथ कैलकुलेट करनी है, और लेंथ हमेशा हम किस में कैलकुलेट करेंगे, लेंथ फंक्शन जो हमेशा हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, मींस 1 2 3 4 5 जो भी हमारा काउंट आएगा वो हमको रिटर्न करेगा. सो str length, और किसका फाइंड आउट करना है, str1 का, इसलिए str length फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसमें पास कर रहे हैं str1 में, क्योंकि str1 का हमको लेंथ फाइंड आउट करना है. देन ये फंक्शन कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा हमको, तो वो वैल्यू हमने n नाम के वेरिएबल में स्टोर करके रखी है, और n इंटीजर है तो यहाँ पे एक्चुअली हमको इंटीजर n ये डिक्लेयर करना जरूरी है, जो मैंने यहाँ पे नहीं किया है. ओके, तो एक चीज ध्यान में रखिए, आपको यहाँ पे int n या ऊपर यहाँ पे int n ये डिक्लेयर करना जरूरी है.
देन अब स्ट्रिंग कैलकुलेट लेंथ कैलकुलेट हो गई उसकी, वो एन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब उसको प्रिंट करनी है, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एस टी आर वन या एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और वो किस में स्टोर है, एन में, तो कॉमा एन, और वो एन कौन से टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे परसेंट डी, इंटीजर को प्रिंट करने के लिए परसेंट डी, देन यहाँ पे इंटीजर है मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप, इसलिए रिटर्न जीरो। तो आउटपुट किस तरह से आएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एस टी आर वन कोलन, यहाँ पे कोलन दिया है और एन की वैल्यू प्रिंट की। अब एन की वैल्यू क्या रहेगी, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 कैरेक्टर्स यहाँ पे है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 8 और 8 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्लैश जीरो मीन्स नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट होता है, उसको हमने काउंट नहीं किया। तो इस तरह से स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन इज एसटीआर सीएमपी फंक्शन। एसटीआर स्टैंड फॉर स्ट्रिंग एंड सीएमपी स्टैंड फॉर कंपेयर। अब दो स्ट्रिंग को ये फंक्शन कंपेयर करता है, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वन रहेगा और यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग टू रहेगा, ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है वो कैलकुलेट करेगा। तो ये कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होगा, ASCII वैल्यूज के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इट कंपेयर्स द टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, वो अगर कंपैरिजन के बेसिस पे हमको कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करने वाला है। अब कौन से इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा वो देखेंगे। इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम देन दिस फंक्शन वुड रिटर्न जीरो। अगर स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू जो हम पास कर रहे हैं वो इक्वल है तो ये फंक्शन जो है strcmp हमको जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट मे रिटर्न निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो जीरो रिटर्न करेगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स है दोनों, तो एक तो निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अब निगेटिव और पॉजिटिव कब रिटर्न करेगा, इफ स्ट्रिंग वन इज लेस देन स्ट्रिंग टू, अगर स्ट्रिंग वन की ASCII वैल्यू छोटी है स्ट्रिंग टू से। ओके, ASCII वैल्यूज फाइंड आउट करेगा, स्ट्रिंग वन की ASCII वैल्यू इज लेस देन स्ट्रिंग टू देन इट विल रिटर्न निगेटिव वैल्यू, और अगर स्ट्रिंग वन की ASCII वैल्यू ग्रेटर है स्ट्रिंग टू से देन इट विल रिटर्न अ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो इस तरह से, एंड इफ स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू देन इट यू विल गेट जीरो व्हेन यू यूज दिस फंक्शन फॉर कंपेयर स्ट्रिंग। अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो वो जीरो रिटर्न। Now let us see program. stdio.h और string.h include किया, then main function लिया, s1 नाम का एक string लिया है जिसका length है 20, maximum length है 20, और इसमें हमने read book ये string store करके रखा है। then same तरीके से s2 नाम का variable लिया है, उसकी maximum length ली है 20, और c language ये string store की है, ये है string 1 और ये है string 2। अब कंपेयर करेंगे मीन्स strcmp फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो हमको इफ कंडीशन के अंदर इसको यूज करना पड़ेगा, अगर इक्वल है तो क्या होगा, अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इस तरह से हमको बताना है। तो इफ strcmp फंक्शन को यूज किया s1 s2 मीन्स अगर s1 s2 इक्वल टू जीरो, दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल है, इक्वल टू जीरो मीन्स इन दोनों का रिजल्ट अगर जीरो आता है, मीन्स अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है देन हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू आर इक्वल, ठीक है। एल्स अगर इक्वल नहीं है मीन्स वो एक तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उन दोनों भी केस में हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग वन एंड टू आर डिफरेंट और रिटर्न जीरो। तो अगर हम रीड बुक एंड सी लैंग्वेज ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग है, ठीक है, तो कंपेयर करेगा वो s1 s2 इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो इनका ASCII वैल्यू है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट आएगा मीन्स एक तो निगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, हम गए else के पास और अब प्रिंट करेंगे s1 एंड s2 आर डिफरेंट, तो ये है हमारा आउटपुट स्ट्रिंग s1 एंड s2 आर डिफरेंट, तो इस तरह से हमको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन इज str cat फंक्शन। कैट स्टैंड फॉर कॉन्केटिनेशन, और कॉन्केटिनेशन मीन्स दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। व्हाट इज दिस ऑपरेशन, इट इज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन, और कॉन्केटिनेशन का मीनिंग होता है ज्वाइन करना। तो इसका सिंटैक्स रहेगा str cat फंक्शन, कैरेक्टर str1 कैरेक्टर str2 मीन्स ये
वैल्यू एट एसटीआर वन मीन्स एसटीआर वन जो भी हमारा मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर क्या वैल्यू है, वो वैल्यू मीन्स स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू इन दोनों स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा। किस तरह से ज्वाइन करेगा, स्ट्रिंग वन के लास्ट में स्ट्रिंग टू ज्वाइन हो जाएगी और रिजल्ट हमेशा स्ट्रिंग वन में स्टोर होगा। सो वी कैन से दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन। ओके, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन। तो सो डेस्टिनेशन में हमेशा हमारा जो आउटपुट है वो मिलेगा, तो हमको फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग वन में मिलेगा। इट कॉन्कैटिनेट्स टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स द कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है इसलिए हमने कैरेक्टर यहाँ पे लिया है। ओके, सो हैश इंक्लूड stdio.h स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड किया है, देन मेन फंक्शन को कॉल किया है। एस वन इसका मैक्सिमम लेंथ लिया है 10, हेलो इसमें हमने स्टोर किया है और एस टू में हमने वर्ल्ड स्टोर किया है। अब strcat s1, s2 अगर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट बाय डिफॉल्ट s1 में ही स्टोर होगा। ओके, बिकॉज दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द डेस्टिनेशन और हमारा ऑलवेज रिजल्ट डेस्टिनेशन में स्टोर होता है। सो s1 को कॉन्कैटिनेट करना है s2 के साथ, मींस s2 को कॉन्कैटिनेट करना है एक्चुअली s2 के साथ। तो देखिए इसका ऑपरेशन किस तरह होगा, s2 s1 के लास्ट में ज्वाइन हो जाएगा। ओके, देन हम आउटपुट अगर देखेंगे तो आउटपुट स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्कैटिनेशन परसेंट एस, स्ट्रिंग को आउटपुट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर रहे हैं इसलिए परसेंट एस, और यहाँ पे प्रिंट एफ है इसलिए हमको परसेंट एस लिखा है। देन रिजल्ट हमारा s1 में स्टोर है, तो किस तरह से आउटपुट मिलेगा, पहले प्रिंट होगा हेलो और एस पहले स्ट्रिंग के बाद दूसरा स्ट्रिंग ज्वाइन होगा तो वर्ल्ड। तो इस तरह से हमको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। देन strcpy फंक्शन, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना, मीन्स एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के जगह पे कॉपी करना। सो इट कॉपी स्ट्रिंग s2 into s1, तो s2 स्ट्रिंग को कॉपी करेगा s1 में। ओके, एंड इंक्लूडिंग द कैरेक्टर नल 0, तो ये भी कॉपी हो जाएगा। अब देखिए s1 में लिखा है हमने बेबी और s2 में हमने स्टोर किया है डॉल, तो क्या करेगा, s2 की जो भी वैल्यू है, s2 का जो भी स्ट्रिंग है वो s1 में कॉपी हो जाएगा, मीन्स s1 में वो ओवरराइट हो जाएगा। और अगर हम रिजल्ट स्टोर किस में करेंगे, इस तरह से फंक्शन हमने कॉल किया strcpy, str कॉपी फंक्शन s1, s2, s2 कॉपी हो गया s1 में और रिजल्ट स्टोर हो गया s1 में। तो स्ट्रिंग s1 इज परसेंट s1, तो s2 की वैल्यू थी डॉल, तो डॉल वैल्यू वो हो जाएगी कॉपी s1 में, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, सिर्फ डॉल। तो स्ट्रिंग s1 इज डॉल, इस तरह से हमको आउटपुट मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने कौन कौन से आज फंक्शन देखे, strcpy, strcat, देन strcmp फंक्शन, str length फंक्शन, ऐसे चार फंक्शंस आज हमने देखे और उनके लिए सिंपल प्रोग्राम्स हमने देखे। सो टुडे वी हैव स्टडीड हाउ टू यूज डिफरेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Keep learning and enjoy learning.